उदयपुर वाटी कस्बे के बारवा बस स्टैंड पर 9 जुलाई को 8 से 10 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए लोगों ने बारवा बस स्टैंड पर दहशत फैलाने वाले मुख्य दो आरोपियों को उदयपुर वाटी पुलिस ने 7 सितंबर को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी वीरेंद्र कट्टेवा के खिलाफ सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, उदयपुर वाटी, बगड़ सहित अन्य कई थानों में 12 प्रकरण दर्ज है। वहीं दूसरा आरोपी विकास कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद मीणा के खिलाफ भी कई 4 प्रकरण दर्ज हैं। गोवंश पर हो रहे आए दिन हत्याचार को रोकने की मांग को लेकर नांगल कस्बे के ग्रामीणों ने थाना अधिकारी व उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर शीघ्र ही नांगल ग्राम पंचायत में गोवंश पर किए जा रहे हत्याचार करने वाले लोगों की जांच पड़ताल कर गिरफ्तार करने की मांग की है। अन्यथा ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में राकेश कुमार, अमित सोनी, शुभम सैनी, मुन्नीराम, राजेंद्र प्रसाद, पवन कुमार, अमित कुमार सहित सैकड़ों युवा मौजूद थे। सूरजगढ़ में अंबेडकर भवन में चल रही इंदिरा रसोई को हटाने की मांग। कस्बे में राज्य सरकार की योजना के तहत निर्मित अंबेडकर भवन को संचालित किया जा रहा है। इंदिरा रसोई को सूरजगढ़ बहुजन समाज के लोगों ने यहां से हटाने व अन्य दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। बहुजन समाज के लोगों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह को ज्ञापन देकर 7 दिन में अंबेडकर भवन को खाली करने की मांग की है। अन्यथा खाली नहीं किया गया तो 7 दिन में नगर पालिका कार्यालय के सामने समाज के लोग करने पर बैठेंगे और राज्य सरकार की योजना के तहत अंबेडकर भवन निर्माण करवाया गया था। समाज के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर इंदिरा रसोई को यहां से खाली नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में भवन को रसोई का रूप देने का मुख्य उद्देश्य को खत्म कर दिया गया है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में रविंद्र सेवदा, विजय चंदेलिया, संजय धर्मपाल, राहुल कुमार, अक्षय, शुभम चंदेलिया, शेर सिंह, मनोज, विक्की सहित अनेक लोग शामिल थे। हम धरना करेंगे और उसके पूरे जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी और पूरी नगरपालिका शासन होगा। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती छापोली ग्राम पंचायत के सरकारी भूमि पर कसरा नंबर 3282 जो कि राजकीय स्कूल फील्ड खेल भूमि के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर स्कूल प्रशासन की ओर से कोई चार दीवारी नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोग फील्ड की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट व प्रशासन को मजबूर बस्सी बस्तियों को उजाड़ना पड़ता है, लेकिन समय रहते हुए प्रशासन भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो मामले को लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई जाएगी।